हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज़, आज एक न्यू GTA San Andreas की वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। तो गाइज़, आज हम GTA San Andreas गेम के अंदर ये जो पीछे आपको एक ड्रैगन कार नज़र आ रही है, इसे आप अपने GTA San Andreas गेम के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट बताने वाला हूं। सबसे पहले आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस मोड को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैंने वहाँ पर ऐड कर लिया है। अब डाउनलोड करने के बाद आपने इसे अपने GTA San Andreas गेम के अंदर कैसे ऐड करना है, सबसे पहले आपने इसे राइट क्लिक करके स्टार्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपके सामने एक न्यू फोल्डर बन जाएगा, जिसमें आपको दो किस्म की दो फाइलें नजर आएंगी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक पहली स्टेलिन DFF और दूसरी TXD। आपने इन दोनों फाइल्स को चुने रीनेम करना है उस कार के नाम से, जो यहाँ पे मैं कार का नाम चुने रीनेम कर देता हूँ। कार का नाम है हॉट रिंग। तो गाइज, मैंने इन दोनों फाइल्स को जो है ना रीनेम कर दिया है हॉट रिंग रेसर के नाम से। आपने भी दोनों फाइल्स को जो है ना रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद आपने अपने GTA San Andreas गेम के अंदर चले जाना है। गाइज, GTA San Andreas गेम के अंदर आपका जो MH टूल है वो जो है ना पहले से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इजी सी स्टेप है। आप MH टूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने पहले से वीडियो बना ली है, आप जाके सीख सकते हैं। आपने MH टूल को अपनी गेम के अंदर ऐड कर लेना है। डबल क्लिक करना है, MH टूल को ओपन करना है। एरर आएगा, ओके पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी GTA San Andreas गेम के अंदर जाके मॉडल फोल्डर के अंदर जाके GTA 3 को यहाँ से ओपन कर देना है। तो जैसे ओपन करोगे आपके सामने टोटली की टोटली जो फाइल्स हैं वो इस तरह ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाना है, एडिट में आ जाना है, फाइंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिखना है हॉट रिंग, हॉट रिंग TXD। आपने यहाँ पे लिख के इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको हॉट रिंग TXD नजर आ रही है, आपने राइट क्लिक करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है और अब आपने चले जाना है उन दो फाइल्स जो हमने पीछे रखी थी डाउनलोड वाले फोल्डर में। आपने इन दोनों फाइल्स को जो है इनसे रिमूव कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं हॉट रिंग रेसर TXD को जो है इसे रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एडिट में आके फाइंड पे क्लिक करके अब जो दूसरी फाइल है हॉट रिंग DFF, तो यहाँ पे मैं DFF लिख के फाइंड पे क्लिक करता हूँ। मुझे DFF फाइल मिल गई। दोबारा राइट क्लिक करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है। जो दूसरी DFF फाइल है उसे जो इसे रिप्लेस कर देना है। दोनों फाइल जो रिप्लेस हो चुके हैं। उसके बाद आपने कमांड पर क्लिक करके रिबिल्ड अर्चीव पर क्लिक करके येस पे क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे परसेंट नज़र आ रहे हैं, आपने थोड़ी देर वेट करना है ताकि ये 100% जो कंप्लीट रिप्लेस हो जाए। तो जैसे ही आपकी ये फाइल 100% कंप्लीट होगी, अब आपकी पुरानी हॉट रिंग रेसर कार की जगह जो न्यू आपने ड्रैगन कार डाउनलोड की वो जो रिप्लेस हो चुकी है। अब आपने टोटली फाइल को क्लोज कर देना है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना। डबल क्लिक करके अपनी GTA San Andreas गेम को स्टार्ट कर देना है, प्ले कर देना है। तो गाइज, फाइनली मेरी GTA San Andreas गेम जो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको स्क्रीन पर फीचर नजर आ रहा है। अब हमने उस ड्रैगन कार का चीट कोड कैसे एक्टिव करना है। गाइज, GTA San Andreas गेम के अंदर कार का चीट कोड एक्टिव करने के लिए मैं जो कार स्पिनर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। GTA San Andreas गेम के अंदर कार स्पिनर को कैसे ऐड किया जाता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है, कम्प्लीटली वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल रहा है, आप जाके सीख सकते हो। तो गाइज, फाइनली मैंने यहाँ पे स्पिनर को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे फाइंड करनी है हॉट रिंग रेसर, जो कि यहाँ पे आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है। तो जैसे मैं हॉट रिंग रेसर के ऊपर आऊँगा, मैंने जो कार पीछे ऐड की, रिप्लेस की, जो ड्रैगन कार हॉट रिंग रेसर कार की जगह, वो फाइनली मेरे सामने आ चुकी है। अब मैंने इंटर को दबाना है। जैसे इंटर को दबाऊंगा वो ड्रैगन कार मेरे सामने आ जाएगी और सीधे जो उस कार के अंदर बैठ जाएगा। उसके बाद मैं इस कार को लेके पूरी गेम के अंदर एंजॉय कर सकता हूँ। बहुत ही बेहतरीन और एक स्टाइलिश कार जो मुझे मिल जाती है मेरी GTA San Andreas गेम के अंदर। यहाँ पे गाइज, आप इसकी स्टाइल देखें और इसका लुक देखें, एक बहुत ही ज्यादा चमकदार और एक स्टाइलिश ड्रैगन कार जो मुझे मिल चुकी है GTA San Andreas गेम के अंदर। इस कार को लेकर आप गेम के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और यहाँ पे देखें आपको एक अमेजिंग कार जो मिल जाती है। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि डेली बेसिस पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।